पुतिन के लिए सीरिया के जल्लाद यूक्रेन से लोहा लेंगे। बताया जा रहा है कि व्लादिमीर जेलेंस्की के खिलाफ खड़ा होने वालों में सीरिया के फौजी, विद्रोही और ऐसे लोग होंगे जिन्हें जंग का तजुर्बा हो, और वो रूस के राष्ट्रपति से हाथ मिलाएंगे ताकि यूक्रेन पर कब्जे के युद्ध में पुतिन का पलड़ा भारी हो सके और वो अपने इस स्पेशल मिशन में कामयाब हो सके। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि यूक्रेन से लोहा लेने की इस दौड़ में सीरिया के ब्रिगेडियर जनरल सुहेल अल हसन की फौज के कुछ सदस्य भी होंगे, जिन्हें सीरिया में टाइगर फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। 2017 में जब व्लादिमीर पुतिन सीरिया गए थे, तब उन्होंने सुहेल अल हसन की तारीफों के पुल बांध दिए थे, क्योंकि सुहेल अल हसन ने सीरिया के गृह युद्ध में आतंकियों को हराने में अहम भूमिका निभाई थी। कहा जा रहा है कि रूस इस जंग को अगले पड़ाव पर ले जाने की तैयारी में है, और इसीलिए वो ऐसे लड़ाकों की खोज में हैं जिन्हें जंग में दुश्मन से दो दो हाथ करने का अनुभव हो, लेकिन वो नहीं जिन्होंने रूस में ट्रेनिंग न ली हो। बताया जा रहा है कि इस बीच सीरिया के करीब 40,000 लोगों ने रूस में जंग की ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर कराया है, जबकि 16,000 आवेदन पश्चिम एशिया के दूसरे मुल्कों से भी आने की खबर है।